वर्ग, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों, और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें तीन कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी से। अभी ये तीन ही कैटेगरी उपलब्ध है माननीय। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं माननीय। अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के 1-1 सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर, 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें? और फिर वायना रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया? ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है माननीय। कोई पक्षी नहीं होनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण माननीय अध्यक्ष जी एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं।
इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी दो तीन संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब एक तिहाई माननीय एक तिहाई सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें? और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया? ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है माननीय, कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और माननीय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है, हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को अब इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए और एक बार शुरुआत करें, उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी दमखम के साथ देंगे, डट कर देंगे, परंतु एक ऐसा मौका है जिसमें ये सदन ने समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना करी एक वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एकमत मान्यवर। मगर कुछ चीजें यहां कही गई है, इसलिए मेरा बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए। मान्यवर ये जो प्रयास है ये वो पांचवा प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है, तो क्या हुआ वो चार संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में दो बार अटल जी ने, चार बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मनसा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? मान्यवर मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।